यूपी में 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल में राजनीति दलों के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और तीखा तंज कसते हुए कहा कि क्या जीरो टॉलरेंस अपराध हो जाने के बाद की नीति है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि अपराध ना हो इसके लिए वह क्या कर रहे हैं। वहीं इस पर नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि अपराध किसी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, खासकर महिला संबंधी अपराध। इसे लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की सरकार है, यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये लड़का है, गलती हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्यवाही होती है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है, आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वो अभिनंदनीय है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की प्रवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार्य नहीं कर सकती।